पीछे बैठते हैं, सामने बैठते हैं, इसलिए कृष्ण सब बुरी हो गए। इसलिए कृष्णा कृष्णा सखाओं के साथ में यहीं पर गया चराने के लिए आते थे। और कृष्ण का समय तो अलग समय है, कृष्ण जब प्रकट होते हैं इस जगत में पूरा गोलोक वृंदावन को लेकर के कृष्ण आते हैं। और यहाँ पर सारे हरा भरा, अभी जैसे उजड़ा हुआ हाँ ऐसे नहीं, उस समय कृष्ण का समय में तो अद्भुत दिव्य स्थान है। एक एक वृक्ष में हर तरह का फल है, हर तरह का फूल होता है। वृंदा देवी कृष्ण सेवा के लिए बड़ा सुंदर वृंदावन धाम बड़ा सुंदर बना कर रखते हैं। इसलिए कृष्ण सखाओं के साथ में जब यहीं गया चराने के लिए आते थे, मुझे लौह जंगा सूर्य शंकर जी की उपासना की थी। और शंकर जी का आशीर्वाद से उसका जो जंग है एकदम लोहे जैसे था है। इसलिए कृष्ण यहीं पर लौह जंगा सुर को यहीं पर उन्होंने वध किया। और यहीं पर कृष्ण जब सखाओं के साथ में गया चराने के लिए आते थे, यहीं पर पास में यमुना नदी बहती थी। और कभी कभी जैसे गोपियाँ जैसे दूध दही मक्खन ला कर लेकर के आस्ती बेचने के लिए, कहते तो दूध दही मक्खन बेचने के लिए नहीं आया करते थे। इसलिए गुरुदेव कहते थे ये दूध दही मक्खन कौन बेचा करती है, जो साधारण लोग होते हैं। लेकिन राधा रानी कौन है, राज रानी, राधा रानी। और जो सखियाँ ये कोई साधारण घर की लड़कियाँ नहीं, ये बड़े बड़े गोप घर गए हैं। इसलिए कहते ना चलो सखी जहाँ चलिए, जहाँ बसत ब्रजराज, गोरच बेसन बेचन हरि मिले, एक पंथ दो काज। इसलिए एक साथ में उनका दो काम हो जाता था, एक में तो गोरस बेचने का केवल एक बहाना होता था, लेकिन मूल है कृष्णा दर्शन हो जाए। इसलिए कृष्णा यहीं पर एक नाव चलाने वाले का रूप धारण कर लेते थे। हाँ, धारण करते हुए एकदम नदी को किनारा में बैठ जाते थे। और जब गोपियाँ यहाँ पर दूध दही बेचने के लिए आती थी, अभी उनको नदी पार करना, बड़े जोर शोर से बोलते थे, बोलते यहाँ पर कोई है जो हमें ये यमुना नदी पार करा दे हैं। पास कृष्ण जान बुझ करके ना जैसे सोते रहते हैं, सोते रहे ऐसे में कृष्ण जान बुझ कर सो जाते हैं, और नाक का जो आवाज़ निकलती है ना इसे निकाल करते थे। तो गोपियाँ जोर जोर से बोलते, कोई है क्या हमें ये यमुना नदी को पार करा दे। कृष्ण कहते थे, कौन हो तुम लोग, बोले हमको ये नदी पार करा दोगे। बोला हाँ करा देंगे, कोई बात नहीं, आ जाओ नाव में बैठ जाओ। लेकिन जो नाव में यहाँ पर कहते हैं कि नाव चलाती है कौन, आपको पता हो, केवट केवट लोग नाव चलाते हैं। और जो नाव चलाते हैं वो गरीब लोग होते हैं, साधारण गांव के लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पर कृष्ण कौन सा रूप धारण किए, कृष्ण जनता नहीं आ पाएगी, कोई बात नहीं, वो लोग अभी हमारे 12 बस आ रही है, अभी एक घंटा बाद में आएंगे। इसलिए कहते ये नई नाव कौन चलाते हैं, कहते नाव जो चलाते हैं वो साधारण जो व्यक्ति होते हैं नाव चलाते हैं। लेकिन आज कृष्ण उन्होंने नाभी का रूप कृष्ण धारण किए। बोले क्यों, कृष्ण कहते हैं ये गोपियों का प्रेम को इतने महत्व है, कृष्ण गोपियों को प्रेम के प्रति लुब्ध होकर के उनका प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए कृष्ण कहते हैं कहाँ कृष्ण परात्पर तत्व है, विश्व ब्रह्मांड का कहाँ मालिक है, अर्जुन की चरण को ब्रह्मा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पद, जिनकी चरण को ब्रह्मा शंकर नारद उद्धव जैसे व्यक्ति जिनकी चरण की उपासना करते हैं, आज वो कृष्ण गोपियों का प्रेम मधु का आस्वादन करने के लिए उदाहरण दिया। जो प्रेम जैसे कमल का फूल, जैसे फूल जब खिल जाए ना हैं, जो कली किया कहती है भाव, और जो प्रेम किया जब कोई फूल खिल जाता है, जो खिल जाता है फिर क्या होता है, जो फूल भंवरा के पास में नहीं, भंवरा स्वयं फूल के पास में आता है। ये गोपियाँ का हृदय के अंदर में जो दिव्य प्रेम है, कहते ये प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए कृष्ण रूपी जो मधुमक्खी वो स्वयं आकृष्ट होकर के इनके प्रेम रस को आस्वादन करने के लिए कृष्ण स्वयं आकृष्ट होकर के आ जाते हैं। इनकी प्रेम में ऐसे एक दिव्य शक्ति है, विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं प्रेम में ऐसे एक दिव्य शक्ति, प्रेम के अंदर में जब किसके हृदय में प्रेम प्रकट हो जाए ना, कहते श्री कृष्णा कर्षणी चसा। प्रेम का दो लक्षण बताए, क्या क्या है, विशेषना श्री कृष्णा कर्षणी चसा, कहते हैं प्रेम का दो लक्षण, दो क्या है, पहला है जैसे दूध को गर्म करते 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 राबड़ी बन जाती है, जब हृदय में प्रेम प्रकट होता है अवस्था क्या होता है,
बोले प्रतिपदम पूर्णा मृत आस्वादन, उसी समय में एक नई नई आनंद अनुभूति होता है, एक तरह का आनंद नहीं, एक नया नया। लेकिन जगत में सब चीज प्रेम घटता है, हाँ, शादी से पहले एक तरह का प्रेम रहता है, फिर उसके बाद में कहते ना पहले चंद्रमुखी, उसके बाद में सूर्यमुखी, ज्वालामुखी, फिर तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, हाँ। इस जगत में कोई भी चीज़ लो, कोई भी चीज़ ना इस जगत में ज़्यादा दिन तक नहीं जाती है, वो धीरे 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 हर चीज़ प्रेम घट, बेटा नहीं बेटा नहीं, हाँ, बेटा हो गया पर बात नहीं सुनता, हाँ, एक बोल तो दूसरा, फिर शादी हो गया तो पता नहीं बहू ने क्या मंत्र दे दिया, दूसरे दिन बुद्धि खराब है फिर तो, इसलिए जगत का जो चीज़ है ना, हर समय देखना हर चीज़ घटती रहती है, कोई प्रेम कभी बढ़ती नहीं, हर समय प्रेम घटती है। जैसे पहले एक रसगुल्ला खाओ, बोले कैसे है, बहुत बढ़िया है, बोले और एक चलेगा, बोले कैसे, बोले बढ़िया है, बोले और खाओ, बोले कैसे, बोले हाँ अच्छा है, बोले और, बोले नहीं उल्टी हो जाएगी, भले जोर जबरदस्त दे दे खा लिया, बोले नहीं नहीं और नहीं उल्टी हो जाएगी। इसलिए इस जगत का जो प्रेम है, हाँ, जगत का कोई भी जगत का प्रेम ये कभी बढ़ती नहीं, जगत का प्रेम घटती, हर समय घटती रहेगी। कोई भी बेटा चला गया, बेटा चला गया, कहाँ कहाँ पागल हो जाते हैं, बेटा कहाँ कहाँ पागल हो जाते हैं, बेटा कहाँ, अगर बड़े दिनों बेटा है ना तो कहाँ चला गया था, बस एक बार छाती में लगा देंगे, कहाँ तू चला गया था, फिर तो कहाँ चला गया, तो चार बोले फिर जा खेलते रहो, तुम खेलो। इसीलिए इसी जगह है ना, कोई भी चीज़ देख लो, कोई भी चीज़ देख लो, हर चीज़ घटती, लेकिन भक्ति जगत में प्रेम कभी घटती नहीं। उदाहरण देते हैं, पक्षी जन आकाश र अंत नहीं पाए, जैसे कि चिड़िया, जैसे आकाश का कोई भी आदि अंत नहीं, उसको पंख में जितने शक्ति है वो उतना दूर तक ये पंख उड़ जाती है सर। कहते जो भक्ति है वो एक अथाह समुद्र है, अथाह समुद्र है, जितने उसमें गोता लगा सकते हो ना उतना आनंद ही आनंद है। इसलिए प्रेम का एक लक्षण है, क्या लक्षण है, सांद्रता विशेषात्मा। इसलिए जैसे दूध को गर्म करने पर वो राबड़ी बनी जाती है, कहते जो प्रेम है वो एकदम राबड़ी है, चगा चग खाओ, हाँ ये। और उसका तो दूसरा लक्षण है, कहते श्री कृष्ण कसरी चसा, उसका दूसरा लक्षण है वो कृष्ण को जोर जबरदस्ती खींच कर ले आते हैं। इसलिए आप लोग देखना, कभी कोई भक्त है ना भगवान के पास में नहीं गए, भगवान स्वयं भक्तों के पास में भगवान आते हैं, भगवान स्वयं भक्तों के पास में आते हैं। कहते विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये बात को, ये माधुर्य कादंबिनी में वर्णना करते, भक्ति ऐसे की चीज़ है, अगर तुम्हारे हृदय में भक्ति प्रकट हो गई तुम्हारे हृदय में, हाँ भगवान, इसलिए उनका एक गुण है भक्त वात्सल्य। जितने भगवान का गुण है ना, सारे गुण में इनका जो सर्वश्रेष्ठ गुण है भक्त वात्सल्य, मतलब भक्तों का प्रति इनका विशेष प्रेम है। इसलिए कृष्ण दुर्गा सभी को कहते हैं अहम भक्त पराधीन ज स्वतंत्र ही वीय, कहते मैं भक्तों का अधीन बन जाता हूँ, मैं स्वतंत्र होते हुए भी मैं भक्तों का प्रेम में इतने वशीभूत हो जाता हूँ, इनके पास में अस्वतंत्र मतलब अपना कोई स्वतंत्रता नहीं रहता है। भक्त मुझे कान पकड़ा कर उठाते हैं बैठाते हैं, हैं भक्त मेरे को उठाते बैठाते, भक्तों का प्रेम में मैं संपूर्ण भक्तों का प्रेम में वशीभूत हो जाता हूँ। ये भक्ति की एक विशेष चीज है, भगवान उसके वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण कौन है, ये भगवान है। लेकिन कृष्ण भगवान होकर कौन सा रूप धारण किए, केवट, भगवान यहाँ पर केवट रूप धारण करते। इसलिए कृष्ण कहते हैं राधे तुम्हारी प्रेम ऐसे है, राधे तुम्हारी प्रेम को मैंने आस्वादन करने के लिए पता नहीं मैं अनंत रूप धारण करता हूँ, कभी केवट बन जाता हूँ, कभी मैसेज करने वाले उनका रूप धारण कर लेता हूँ, कभी कभी चूड़ी पहनाने वाले उनका रूप धारण कर लेता हूँ, कभी कभी हम उनका श्रृंगार करने वाले हैं। इसलिए कृष्ण कहते कभी कभी श्रृंगार करने वाले का रूप धारण कर जाता हूँ, धारण कर लेता हूँ। बोले क्यों कृष्ण ये सब रूप क्यों धारण करते, बोले कारण है केवल राधा रानी के प्रेम को सामने संपूर्ण भगवान झुक जाते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान होते हुए भी कृष्ण यहाँ पर स्वयं केवट बन करके आए, नाव चलाने बन करके आए, बोले हाँ मैं तुम लोगों को नदी पार करा दूंगा, हाँ तुम लोगों को मैं नदी पार करा दूंगा, इसलिए आओ और ये नौका में तुम लोग नाव में बैठ जाओ और नदी पार करा दूंगा। इतने में सब गोपियों को यहीं पर कृष्ण
नाव में बैठा थे, लेकिन इनको बीच नाव नाव नदी में लेकर के कृष्णा कहते देखो मेरी जो नाव है ना ये एक तो पुरानी और मैं छोटा और तुम लोग हैं, मेरे जो नाव है ना एक मन ढो सकता है, लेकिन तुम लोग तो एक एक इतने इतने मोटी मोटी गोभी हो, इतने मोटी मोटी गोभी हम तुमको पार कैसे कराएंगे हैं, इसलिए पार नहीं करा सकते हैं। फिर कहते तुम्हारी जो दूध दही है ना इतना भोजन है हमारा असंभव पार करना, पहले उसे जल्दी जल्दी फेंको। कृष्ण जान बुझ करके ना नाव को ढगमगाने लगाते और गोभी डर जाती, तैरना तो आती नहीं, डूब जाएगी, सारे को सारे फेंक देती है दूध दही। बोले नहीं अभी भी बहुत सारी भोजन, बोले क्या है तुम भी इतने अलंकार से पहने ना काम में काम, पहले जो माताएं हैं ना तुम लोग देखे होंगे पहले पुरानी पुरानी पूरा प्यार से लेकर सर तक पंद्रह किलो किसी सोने पहने आ करते थे, पहले सोने पहनने का बड़े शौक होता था हाँ। बोले अभी भी तुम्हारे शरीर में जो गहना जो है ना ये भी भोजन इसको फेंक दो हैं, फिर वो भी उसको भी फेंक देते हैं। अरे कृष्ण क्या करते हैं जान बुझ करेंगे ना, कृष्ण क्या करते हैं नाव को जोर से हिलाते हैं, जब हिलाते हैं राधा रानी पास में खड़ी हुई रहती है हैं, राधा रानी पास में खड़ी हुई रहती है, इतने राधा रानी डर करके ना कृष्ण को पकड़ लेती है। जब कृष्ण को पकड़ लेती हैं कहते सखी कहते हैं किसको, कहते ये मंजरी सखियों का काम किया है। कहते उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी हैं इनका डेफिनेशन सखी का काम किया है, बोले सखियों का काम यही है, कहते जुगल का मिलन कराना ही इनका जीवन का उद्देश्य है। वो स्वयं मिलने नहीं चाहती है मंजरियाँ हैं, वो कहते राधा कृष्ण का मिलन हम कब कराएंगे, इसलिए कहते ना जय जय राधा कृष्ण जुगल। जब राधा कृष्ण दोनों मिल जाते हैं ना तो खुश हो जाते, जब खुश हो जाते इतने में वहाँ पर इसका बीच में जोग माया बड़ा सुंदर टापू बना देती, बड़ा सुंदर वृंदा देवी बड़ी सुंदर निकुंज की प्रस्तुत कर देती है, निकुंज मंदिर प्रस्तुत कर देती है। इतने में राधा कृष्ण को उसका अंदर में राधा कृष्ण को ले जाते हैं, राधा कृष्ण को दोनों को बैठाते हैं और उनको जुगल मिलन कराते हैं, करा करके कहते यही इनका जीवन का उत्सव है हाँ? इनका उत्सव यही है, जब राधा कृष्ण का मिलन हो तब कहते भाई राधा कृष्ण मिले तो तुम्हारा क्या लाभ है, तुम्हारा क्या लाभ है राधा कृष्ण जो मिलन करते हैं। यहाँ पर कहते कि अद्भुत गोपियों का प्रेम के अद्भुत चमत्कार था, मिलते हैं राधा कृष्ण, वहाँ पर श्री रूप गोस्वामी कहते हैं स्पृशति जदि मुकुंदम राधिकाम तम सखिना, जब कृष्ण राधा रानी को स्पर्श करते राधा रानी को स्पर्श करते राधा रानी को, लेकिन शरीर में स्वेद कंप अश्रु और शरीर में जो पुलक होता है ना ये सखी और मंजरियों में कृष्ण राधा कृष्ण में मिलते हैं तो राधा कृष्ण को, कृष्ण स्पर्श करते राधा जी को लेकिन स्पर्श तो राधा रानी करते हैं, लेकिन पुलक अश्रु किसको होता है ये सखी मंजरियों को होता है। मतलब ये एक दिव्य प्रेम की एक अद्भुत एक चीज है, मिलते हैं राधा कृष्ण लेकिन सारे चिन्ह और सारे प्रेम का विकार इनके अंदर में होता है, और इनको जो आनंद होता है राधा कृष्ण को जो आनंद होता है ना उससे ज्यादा आनंद होता है इन लोगों का ज्यादा सखी मंजरी होता है। इसलिए इनका जो मूल उद्देश्य क्या है, नौका विलास का मूल उद्देश्य यही है, ये सखी मंजरिया आप लोग आ गए, कभी ये सखी मंजरिया ये चाहती है राधा कृष्ण को कैसे जुगल मिलन कराए, बस इनको जुगल मिलन करा दिया तो बस इन लोगों का जीवन सार्थक हो गया। कृष्ण भी यही चाहते हैं कब हम श्री राधा रानी को साथ में हम हमारी कब मिलना, इसलिए यहाँ पर इसलिए जो सखिया और जो परकिया है ना हैं, सखिया और जो परकिया यही विशुद्ध बात बताए। सखिया में क्या होता है ना घर में पत्नी है और जब इच्छा तो पत्नी से मिल ही ले घर में तो यही है, लेकिन परकिया क्या होता है वो शादी नहीं होती है, शादी नहीं होने पर क्या होता है इसलिए वहाँ पर मिलने की उत्कंठा रहती है, वहाँ पर मिलन करने की उनके साथ में उत्कंठा रहती है, इसलिए जोग माया ने जान बुझ करके ना हम महाराज में चली जाएंगे, इसलिए हमारा चली जाओ इसलिए राधा कृष्ण का ना वो शादी होने का था हाँ, राधा बात हो गई थी वृषभानंद महाराज नंद बाबा के अंदर बात हो गई थी राधा कृष्ण की शादी हो जाएगी बात हो रही थी, लेकिन ये जोग माया ने किया कि उन्होंने जा करके अब पता है हैं पता है क्या पता है जब बेटी की शादी होती है ना पहले उनका जन्म पत्र दिखाते हैं हाँ, जन्म पत्र दिखा जोग माया ने देखा अगर राधा कृष्ण के अंदर शादी हो जाएगी ना जो मिलन का जो उत्कंठा खत्म हो जाएगी, वो तो गोलोक वृंदावन नित्य प्रिया प्रियतम है ही है,
लेकिन यहाँ पर जो मिलन का जो उत्कंठा ये समाप्त हो जाएगी, हैं, मिलन का उत्कंठा नहीं रहेगी। इसलिए जोग माया ने किया कि जा करके वृषभानंद महाराज को बोल दिए और नंद बाबा को बोल बोले देखो ये लड़की को साथ में शादी नहीं कराना, ये जो लड़की मांगली है, हैं, और उनको घर में जाकर देखिए लड़की मांगली है इधर शादी कराओगे नहीं, दोनों को शादी ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं, लड़ाई झगड़ा होगी, हाँ लड़ाई झगड़ा हो जाएगी, इसलिए इन्होंने शादी नहीं करवाने दिया। बोले कहाँ शादी कर, बोले जावट में एक आयरा घोष नाम का एक गोप है, वो बड़ा समृद्धशाली बड़े पैसा वाला है, आप आपको बेटी को वहीं पर शादी करा दो, बस वो आनंद में रहेगी। इसलिए जोग माया ने क्या किया, वो सारी चीज़ को उन्होंने गड़बड़ी करवा दिया, और गड़बड़ी करवा करके उन्होंने किया कि बस उधर आयरा घोष को साथ में शादी करा दिया। जब राधा रानी को ये बात पता चला हमारी शादी कृष्ण को साथ में नहीं होएगी, राधा रानी जब कृष्ण को साथ में मिलती हैं अकेली, कहते श्याम सुंदर मैंने क्या सुना तुम्हारे साथ में शादी नहीं होगी, और ये आयना घोष को साथ में शादी, अभिमन को साथ में शादी होगी। तब कृष्ण ने कहा है राधे हम तो नित्य गोलोक वृंदावन में, हम तो नित्य वहाँ पर मिलते हैं, अगर यहाँ पर अगर हमारी शादी हो गया ना, ये सखिया हो जाएगा, पति पत्नी का भाव हो जाएगी, फिर हमारे अंदर में जो मिलन का जो उत्कंठा है वो उत्कंठा नहीं रह जाएगी, क्यों घर में पति पत्नी घर में जब इच्छा तब मिल जाओ, लेकिन जब कोई चीज बड़े दुर्लभ से मिलता है, देखना सामने तुम्हारी जमुना, कभी जमुना में नहाया हो नहीं, जमुना से बाहर बह, लेकिन आप देखना दूर दूर से जो सौ सौ हजार किलोमीटर से जम आते हैं ना, देखना सबर जाकर के, सबर जाकर स्नान करते, लेकिन हम सबर जाकर जमुना में आचमन तक उन्हें नहीं लेते। अगर यही जमुना अगर 100 किलोमीटर नहीं तो 1000 किलोमीटर दूर में होता ना, जाकर के अरे इतना दूर से आए, कद गंगा में नहाने का जितने महत्व है जमुना में नहाने का, उससे 100 गुण ज़्यादा जमुना में नहाने का महत्व है, इतने 100 गुण ज़्यादा, इतने जमुना की महत्व, लेकिन सामने जमुना दे रही है, कभी हम आचमन लेने नहीं जाते। इसलिए ये जोग माया ने कहते अगर शादी हो जाएगी मिलन की उत्कंठा नहीं रहेगी, इसलिए राधा कृष्ण बहुत कोशिश करते हैं मिलने के लिए, अगर फिर जटिला जटिला कुटिला अगर आ जाए ना, फिर राधा रानी प्राण को लेकर भाग जाती है, कृष्ण प्राण लेकर चली जाती है कहीं, हैं, इसलिए ये केवल ये मिलन की उत्कर्षता के लिए, इनका मिलन रस सुंदर रूप में हो, इसलिए ये जोग माया ने इनके अंदर में शादी करने नहीं दिया। यद्यपि राधा कृष्ण ये नित्य जुगल विसर है राधा कृष्ण, लेकिन उनको कृष्ण स्वयं नाभिक बन करके आखिर कितने कष्ट से स्वयं केवट बनते हैं, इतने छोटा काम कृष्ण करते हैं, छोटा काम करके क्या करते हैं, राधा रानी को साथ में जो मिलते हैं पास, जब कोई दुर्लभ चीज को साथ में इतने कष्ट से मिले फिर आनंद होता है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने कई नाभि को लीला यहाँ करते थे, और कृष्ण कृष्ण वन महाराज यहाँ पर बोलेंगे, इसलिए सिद्धार्थ महाराज बोलता हूँ देवा पर नाव वाले ए नाव वाले आ रहा हूँ। यहाँ पर है ना नंद बाबा जो कुरुक्षेत्र गए थे, जब वहाँ पर सूर्य ग्रहण हुई, सूर्य ग्रहण होने पर नंद बाबा और सारे ब्रजवासी कुरुक्षेत्र गए थे, जब कुरुक्षेत्र गए थे कुरुक्षेत्र से जब लौट रहे थे, लौटते समय यहाँ पर एक गोप था, हाँ जिस गोप का नाम है क्या गौराई गौरवाई गांव, यहाँ पर एक गौरवाई गांव है, हाँ इसलिए गौरवाई एक गांव है, और वहाँ पर कहते गौराई बा गौराई, वहाँ पर कोई एक गोप था, उसने नंद बाबा जब वापस जा रहे थे ब्रजवासी, यहीं पर उन्होंने उनकी बड़ी सेवा की थी, नंद बाबा की पर सेवा की थी। यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम आयोरे ग्राम, आयोरे ग्राम मतलब क्या है, बोले कृष्ण इसका नाम आलीपुर है, कहते यहाँ पर कृष्ण बाग में, हाँ अलीपुर बाग में, हाँ कहते दंत बकर को कृष्ण, हाँ कृष्ण कहते ना कृष्ण गए तो गए वृंदावन छोड़ कृष्ण गए तो गए, सब जानते हैं कृष्ण यहाँ पर गए, इसलिए लोगों का बहुत प्रश्न होता है। यहाँ प्रश्न ये आता है जैसे कृष्ण वृंदावन छोड़ करके मथुरा, फिर मथुरा से कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण मथुरा से द्वारका गए, हाँ आपको पता ब्रजवासी कितना रोए कृष्ण विरह, कितना रोए कितने रोए, यहाँ कोई कोई प्रश्न करते हैं कृष्ण ब्रज छोड़ कर गए क्या ब्रजवासी जिंदगी भर रोए, उनको बाद में कुछ हुई कि नहीं, उनके बाद में उनका कोई अब भागवत में कुछ बात नहीं सुनता है, इतना सुनने को मिलता है एकदम ब्रजवासी कृष्ण विरह में जिंदगी भर रोते ही रहे, उसके बाद में कुछ हुआ कि नहीं। श्री जीव गोस्वामी कहते श्री गोपाल चंपू ग्रंथ में वर्णना करते, बोले नहीं कृष्ण
जब जनता बकर को वध करने के लिए आई, यहाँ पर दतिया गांव है, कृष्ण वहीं पर उन्होंने दंत बकर को वध किया। जब दंत बकर को वध करके फिर कृष्ण ब्रज में फिर आते हैं। जब कृष्ण ब्रज में आए, इसलिए जो आर्य ग्राम ना, जब कृष्ण आए बड़े दिन में, सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो गए, अरे कृष्ण बड़े दिन में आयो रे, कृष्ण बड़े दिन में आयो रे, ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। फिर कृष्ण यहाँ पर आए, जैसे भगवान राम जब अयोध्या छोड़ कर गए, तब उन्हें संपूर्ण अयोध्या वासियों को लेकर गए, हाँ, सरयू नदी में स्नान किया और सबके सब दिव्य संकेत धाम से विमान आई, विमान में बैठ कर सबके सब नित्य धाम में चले गए। उसी तरह कृष्ण यहीं पर आए, आकर के सारे ब्रजवासियों को कृष्ण लेकर के अपना नित्य धाम में कृष्ण सबको लेकर चले गए। इसलिए जब बज्रनाभ जी फिर जब राजा बने, बज्रनाभ जी उन्होंने देखा ब्रज में कोई नहीं, इसलिए जब परीक्षित महाराज आकर पूछे कैसे हो, बोले क्या ठीक ठाक हूँ लेकिन मन बड़ा उदास। बोले क्यों? बोले यहाँ पर कोई प्रजा ही नहीं, राजा तो सब तभी सुबह थे, प्रजा ही यहाँ के जितने ब्रजवासी थे गए थे, यहाँ के पशु पक्षी भी, यहाँ के सारे जानवर भी, कृष्ण कीड़े मकोड़े भी सबको लेकर कृष्ण अपना, क्योंकि ब्रज का श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, ब्रज का जितने पशु पक्षी गुल्म लता कितने कितना कीट है, ये कोई साधारण नहीं, सबके सब कृष्ण लीला की पुष्टि करने वाले कृष्ण। इसलिए कृष्ण सबके सब कृष्ण लेकर गए। यहाँ पर बंदी और आनंदी कहते, यहाँ पर दो गोप भी यहाँ पर रहा करते थे, हाँ, जहाँ पर पता नहीं उनको क्या बोलते, नंदी नंदी और बंदी, हाँ, कुछ दूर में एक ग्राम है, दोनों नंद बाबा के जहाँ कंडा बनाते थे, बहाना में कृष्ण दर्शन करना आते थे, इसलिए कहते नंदी बंदी और आनंदी दो कंडा बनाने वाली थी, वो कंडा बनाने के बहाना से आकर के कृष्ण को दर्शन करते, इसलिए यहाँ आसपास में बहुत सारे गांव हैं जहाँ पर कृष्ण बड़े मीठी मीठी लीला की, इसलिए ये लहो बन है, कृष्ण लहो जंगा सुर को वध किया, इसलिए ये बारह वन में एक मुख्य बने, इसलिए बार श्रेष्ठ बने और बार उप बने, जो मुख्य जो बार वन में ये वन को एक मुख्य वन मानेंगे। बोले श्री लहो बन की, बोले ललिताई गौर मानंदे।